एक और जहां आगरा में कोरोना वायरस का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की लापरवाही के चलते लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आगरा की एदमापुर तहसील के भागोपुर में स्थित सब्जी मंडी में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार कोरोना को रोकने के लिए अलग अलग प्रयास कर रही है, लेकिन आगरा के एदमापुर में प्रशासन की लापरवाही के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। जी हां, ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है एदमापुर के कोवरपुर की सब्जी मंडी में, जहां सप्ताह में दो बार सब्जी मंडी लगती है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग सब्जी खरीदने के लिए आते हैं। यहां सैनिटाइजर तो बहुत दूर की बात है, यहां लोग बिना मास्क के सब्जी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एदमापुर नगर में हॉटस्पॉट है, इस वजह से एदमापुर नगरी सब्जी मंडी बंद है। यही कारण है कि आसपास व क्षेत्र के लोग भागुपुर में सब्जी खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। अचन कुमार नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? ये दलित नगर रंडकला का। ये कहाँ की सब्जी मंडी है, क्या है? ये कुबेरपुर सब्जी मंडी बोली जाती है। यहाँ पे बुधवार को शनिवार को पेंट लगती है। यहाँ भीड़ लगी हुई है, कोई नियमों का पालन नहीं है, कोई मास्क नहीं लगाए हुए, क्या है? हाँ, ये गलत चल रहा है और ये ठीक नहीं है, और यहाँ पे भीड़ लगा रखी है। तो मास्क लगाए हुए औरों को शिक्षा नहीं मिली है यहाँ, क्या लोग जागरूक नहीं है, क्या बात है? पता नहीं, यहाँ से भीड़ लगाए हुए हैं और नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, ये लोग गलत कर रहे हैं। सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने पहुंच रहे ग्राहकों में बहुत कम जागरूकता दिखाई दे रही है। यही कारण है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और ना ही चेहरे को कवर करने के लिए किसी मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। यहां ना तो कोई पुलिसकर्मी तैनात किया गया है और ना ही किसी भी प्रकार का प्रशासन का कोई कर्मचारी तैनात है जो लोगों को जागरूक कर सके और एक साथ इतने लोगों को इकट्ठा होने से रोक सके। एक बड़ा सवाल स्थानीय प्रशासन पर ही खड़ा होता है कि अगर यही हाल रहा तो देश कोरोना की लड़ाई कैसे जीत पाएगा।